सो हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि मुयान लियो वुशियांग चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें ग्रैंड एल्डर उन्हें निर्वाणा होली एलिक्सर रिफाइन करने का टास्क देते हैं और सबको उसे रिफाइन करने का मटेरियल्स देते हैं, जिसे मुयान साइड में रखते हुए कहता है, पर मैं इस मैच को इतनी जल्दी ख़त्म करके घर जाकर सोना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ लियो वुशियांग और बाकी सब काफ़ी सीरियसली अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। और अब इस पार्ट की शुरुआत इसी के आगे से होती है और हम देखते हैं कि लियो वुशियांग और बाकी सब अपने अपने होली एलिक्सर को रिफाइन करता देख मुयान भी अपना रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ से तियान यू उन्हें देखकर काफी मायूस होता है। तभी ग्रैंड एल्डर उसे कहते हैं, तियान यू तुम इन सबको अच्छे से रिफाइनिंग करते हुए देखो और ऑब्जर्व यहाँ पे तुम करो, क्योंकि एक बार फेल होने से सब कुछ डिसाइड नहीं होता। जिसे सुनकर के तियान यू उन्हें ग्रीट करता है और काफी ध्यान से सबकी रिफाइनिंग प्रोसेस को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से मुयान को निर्वाणा एलिक्सर को रिफाइन करता देख जू जियान काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि पता नहीं अब इस बार मुयान निर्वाणा एलिक्सर को रिफाइन वो कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि इस राउंड में सब अपनी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर रही हैं ताकि वो निर्वाणा एलिक्सर को रिफाइन यहाँ पे वो कर सके। जिस पर एल्डर तियान जिन उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मुयान को अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है। वही दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि लियो वुशियांग को निर्वाणा एलिक्सर रिफाइन करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और उसमें उसकी काफी ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम हो रही होती है, जिसमें उसे लग रहा होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। इसीलिए वो अपने रिफाइनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि फेल मत होना, बस फेल मत होना। और ये कहते हुए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उसका रिफाइनिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन फिर भी उसके फर्नेस के अंदर से आग के गोले बाहर निकलने लगते हैं। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसका रिफाइनिंग प्रोसेस अनसक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ से उन आग के गोलों को बाहर निकलता देख मुयान लियो वुशियांग को केयरफुल रहने को कहता है, जिसको सुनकर के लियो वुशियांग जैसे ही पीछे की ओर जाता है तो उसका फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है और वो निर्वाणा एलिक्सर को रिफाइन करने में फेल हो जाता है और गुस्से से मुयान को ब्लेम करने लगता है। ये देखकर मुयान उसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें केयरफुल रहने को कह रहा था और तुम मुझे ब्लेम यहाँ पे कर रहे हो। जिसे सुनकर के लियो वुशियांग उसे गुस्से से कहता है कि मुयान मैं तुमसे अब बहुत ज्यादा मैं नफरत करता हूँ, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी साइड से बाकी पार्टिसिपेंट्स को निर्वाणा एलिक्सर को रिफाइन करता हुआ देख रहे होते हैं और वहीं दूसरी साइड से ग्रैंड एल्डर और बाकी एल्डर भी उन्हें अब काफी ध्यान से निर्वाणा एलिक्सर को रिफाइन करता देख रहे होते हैं। तभी शेन गोंगयान अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस को हाफ कंप्लीट कर लेता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है एलिक्सर को शेप देकर उसे कंडेंस करने का, और ये कह करके वो जैसे ही अपने एलिक्सर को बाहर निकालता है और शेप देने की कोशिश करता है, उसका एलिक्सर ब्लास्ट हो जाता है और वो भी अपने रिफाइनिंग प्रोसेस में फेल हो जाता है और गुस्से से वहां से चला जाता है, जिसके बाद बस मुयान और गु फेयांग ही बचते हैं, जिनका रिफाइनिंग प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा होता है। जिसमें हम देखते हैं कि गु फेयांग ऑलमोस्ट अपने रिफाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है और उसका रिफाइनिंग प्रोसेस फेल भी नहीं होता। साथ ही उसका निर्वाणा एलिक्सर ऑलमोस्ट शॉप में आ गया होता है, साथ ही उसका निर्वाणा एलिक्सर ऑलमोस्ट शेप में आ गया होता है। ये देखकर के मुयान उसे अपने हीट को कंट्रोल में करने को कहता है, जिसको सुनकर के गु फेयांग अपनी पावर के थ्रू अपने हीट को कंट्रोल करता है, जिससे उसका निर्वाणा एलिक्सर बनकर कंप्लीट हो जाता है और वो उसे बाहर निकालता है। वहीं दूसरी तरफ से उसके एलिक्सर को देख मुयान भी अपना रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है और अपने एलिक्सर को बाहर निकालता है, जिसको देखकर के ग्रैंड एल्डर चौंक कर कहते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी अपने निर्वाणा एलिक्सर को बनाकर कंप्लीट भी वहां पे वो कर लिया। और वही हम देखते हैं कि गु फेयांग के कंपेरेबल मुयान के निर्वाणा एलिक्सर में टोटल 38 एलिक्सर्स पैटर्न होते हैं, इसलिए गु फेयांग से ज्यादा स्ट्रांग मुयान का निर्वाणा एलिक्सर होता है, जिसको देखकर के सब काफी हैरान होते हैं। वहीं सिस्टर वाई भी चौंक कर कहती है कि फिर से 38 एलिक्सर पैटर्न, सच में मुयान तो कमाल का है। वहीं उन सब की बातें सुनकर के गु फेयांग मुयान को क्रिएट करते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ मैं हार गया और तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। जिस पर मुयान भी उसे तारीफ करते हुए कहता है कि तुम भी बहुत स्ट्रांग हो। जिस पर गु फेयांग मुयान से कहता है मुझे पता है मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ, और इस तरह वो दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसमें मुयान गु फेयांग से कहता है कि अब मैं भी श्री ट्रेनिंग और परफॉर्मेशन कॉम्पिटिशन को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं फिर से उसमें तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट यहाँ पे करके परफॉर्म कर सकता हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी और भी वंडरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जिसको सुनकर के गु फेयांग भी उसे कहता है कि मैं भी उस कंपटीशन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये कहते हुए वो मुयान की तारीफ करता है और उसे अपने आप ही विनर अनाउंस कर देता है और कहता है मुयान एक चैंपियन बनना डिजर्व यहाँ पे वो करता है।
जिसको सुनकर के ग्रैंड एल्डर मुयान को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं और कहते हैं कि तुम कभी भी मेरे पास आकर अपना प्राइज मुझसे ले सकते हो। और ये कहते हुए वो अनाउंस करते हैं कि फाइनली अब एल्केमी कॉम्पिटिशन कम्प्लीटली खत्म हुई, जिसको सुनकर के सब वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद ग्रैंड एल्डर मुयान के पास जाते हैं तो मुयान उन्हें ग्रीट करते हुए थैंक्स कहता है और यहाँ हमें उनका नाम एल्डर तिया नहीं पता चलता है। वहीं उसकी बातें सुनकर के एल्डर तिया ने उसकी काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने आज जो एलिक्सर बनाया है वो हमारे बने हुए एलिक्सर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। इससे ये प्रूफ होता है कि एलिक्सर बनाने में एज मैटर नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ से बाकी एल्डर मुयान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे कहते हैं मुयान तुम फ्यूचर में जरूर एक जीनियस बनोगे। और ये कहते हुए वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी साइड एल्डर तियानी उनसे पूछते हैं कि तुम मुझसे अपने इमोर्टैलिटी पिल को लेने के लिए कब आओगे, जिस पर मुयान उनसे कहता है कि अब मुझे अब कुछ दिन तो लगेंगे ही, क्योंकि जब तक इसीलिए आप बचे हुए दो कंपटीशन के एंड होने का बस इंतजार कीजिए, उसके बाद मैं आपसे उस इमोर्टैलिटी पिल को लेने के लिए आऊंगा। जिसको सुनकर के वहाँ के एल्डर चौंक जाते हैं। वही एल्डर तियानी भी चौंक कर उसे कहते हैं कि तुम अब भी बचे हुए दो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जिस पर मुयान उनसे कहता है कि अगर मैंने कहा है तो मैं जरूर यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। अब अगर और कोई बात नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि सब लोग मेरा खाने पर इंतजार कर रहे होंगे। और ये कहकर के वो वहाँ से चला जाता है, जिसको सुनकर के एल्डर तियानी हंसने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम मुयान को बाओ वांग और सीन मेंग्याओ के साथ देखते हैं, जहाँ वो ऐसे खाना खा रहा होता है मानो कितने दिनों से भूखा हो। ये देखकर बाओ वांग और सीन मेंग्याओ भी काफी हैरान होते हैं। तभी बाओ उसे कहती है कि मुझे तो पता था कि तुम इन कॉम्पिटिशन में जरूर पार्टिसिपेट यहाँ पे करोगे। वही वांग भी मुयान को भुक्करों की तरह खाता देख उससे कहती है कि उसे आराम से खाने को कहती है, जिस पर मुयान उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। और फिर वो बाओ से बाकी के दो कॉम्पिटिशन के रूल्स बताने को कहता है, जिसको सुनकर के बाओ हंसने लगती है और फिर उसे कॉम्पिटिशन के रूल्स बताते हुए कहती है कि इन दोनों कॉम्पिटिशन में ही लो ग्रेड के होली वेपन्स, मिडिल ग्रेड के होली वेपन्स और टॉप ग्रेड के होली वेपन्स को बनाने का टास्क दिया जाएगा, जिन्हें सेपरेटली टेस्ट किया जाएगा। जिसको सुनकर के सीन में यो भी उसे कहते हैं कि हाँ, इस गेम में एक्चुअल में सारे पार्टिसिपेंट्स को अपनी अपनी ट्रू एबिलिटीज दिखाने का मौका मिलेगा। जिसको सुनकर के वांग कहती है ये तो काफी अच्छी बात है, इस तरह से ये आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कितना स्ट्रांग है और कौन जानबूझकर अपने स्किल्स को शो ऑफ यहाँ पे वो करता है। जिसे सुनकर के मुयान अपना खाना फिनिश करके सबसे कहता है कि मैं बस इन कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए उसकी बातें सुनकर काफी एरोगेंटली कहता है कि फर्स्ट प्लेस के लिए तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे तेज यहाँ पे चलती है। और ये बंदा कौन है ये तुम्हें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।